वेल तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक और नई और बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। और ये वीडियो बहुत हमें औसम रहने वाली है क्योंकि हम इसमें अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियर गियर को 2 वर्जन की स्पीकर की अनबॉक्सिंग। और ये स्पीकर बहुत ही कमाल रहने वाला है और ये आपको अमेजोन पे भी देखने को मिल सकता है और आपके फ्लिपकार्ट भी देखने को मिल सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस स्टोर पे ये अवेलेबल है और आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वेल तो इसकी पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह के बारे में। अगर दोस्तों आपकी बॉर्डर लाइन 300 रुपये है, मतलब कि आप 300 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो में मैं आपको वही स्पीकर के बारे में बताऊंगा जो कि 300 की रेंज में बेस्ट है। यार दोस्तों, और किसी स्पीकर की तरफ देखना भी मत, बिना देखे इन स्पीकर को खरीद लेना, मेरी ये रिकमेंडेड है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल वाले आइकन पर तो जरूर प्रेस कर देना। उसे होगा यूँ कि नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ, और मैं आने वाले हर दिन में शायद वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम शुरू करते हैं अब यार अनबॉक्सिंग फालतू बात ना करते हुए। वैसे जो इसकी अनबॉक्सिंग है वो बहुत ही सिंपल रहने वाली है। और सिंपल क्यों? क्योंकि इसमें एक बॉक्स मिलने वाला है जिसके अंदर हमें एक बिल मिलेगा, और जैसे ही हम बिल को निकालते हैं तो हमें अंदर इसको देखने को मिलते हैं 2 स्पीकर और कुछ वायर जो कि उससे पहले से ही अटैच है। बस इतनी थी अनबॉक्सिंग। डब्बे को हम दूर फेंकते हैं और फिर इसके स्पीकर्स पर थोड़ी नज़र डालते हैं। स्पीकर्स की जो शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी है, जो हमारे वायर की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है। और जो ब्रिज की लेंथ है वायर की वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद हम वायर के बाद जाते हैं स्पीकर पे। स्पीकर ही तो हमारी मेन यूनिट है जिसमें हम जाते हैं, तो जो हमारी शाइनिंग है उसके तो यार क्या कहने, बहुत ही अच्छी शाइनिंग दी गई है इसकी जो सरफेस है दोनों स्पीकर्स की। और इसके बीच में आपको देखने को मिलता है एक स्पीकर, मतलब कि डायफ्राम जिससे आपकी आवाज़ आने वाली है, और नीचे दी गई है ब्रांडिंग रियर गियर स्पीकर की। और अगर आप जो इसका मेन वाला स्पीकर है, मतलब कि जिससे दोस्तों इसमें 2 स्पीकर है जिसमें एक स्पीकर के थ्रू आप दोनों स्पीकर्स की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, तो जैसे आप इसको नीचे करते हो तो इसके पिछवाड़े की साइड आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम कंट्रोल। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको वॉल्यूम कंट्रोल कर लेंगे तो आप यहाँ से भी स्पीकर की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपकी बारी है आपकी, तो अब दोस्तों बारी है इसको इंस्टॉल करने के कंप्यूटर में। ओहो, इतना तो मुश्किल है नहीं दोस्तों इसको इंस्टॉल करना। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें 2 आपको वायर दी गई है प्लग करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, एक है USB और दूसरी है AUX, मतलब ये ऑक्स केबल। दोनों से ही आपका पालना कभी ना कभी पड़ा होगा, तो जो आपकी ये हमारी USB केबल है उसको आपको डालना है USB पोर्ट के अंदर लैपटॉप में, और जो ये 3.5 mm की जैक है इसको आपको डालना है 3.5 mm की जैक में। बस इतना ही था, और अब चलाइए गाने और मज़े कीजिए इस नए स्पीकर्स का। और अगर हम इसकी बात करें अब रेटिंग्स की और रिव्यूज़ की, तो यार रेटिंग और रिव्यू अगर मैं कहना चाहूँ तो इसको मैं दूंगा इस स्पीकर को दोस्तों 7 out of 10, क्योंकि दोस्तों इसमें 7 मैंने इसलिए दिया है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वो, और यार दोस्तों इसकी जो वायर की क्वालिटी है जो थोड़ी सी कम है, मतलब कि एवरेज है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और जो स्पीकर की बात हो रही है तो उसमें बेस थोड़ा सा कम है, मतलब कि बेस तो ना के बराबर ही है। अगर आपको बस स्पीकर में आवाज़ चाहिए तो ठीक है। और दोस्तों मैं बताऊंगा ना चाहूँगा कि आपको 300 की रेंज में कोई भी अभी तक बेस कोई भी स्पीकर प्रोवाइड नहीं करता, तो 300 की रेंज में ये बेस्ट स्पीकर है अगर आप परचेज करना चाहते हैं ऐसा ही कुछ। और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको अमेजोन से ही परचेज करें, क्योंकि वहीं से आप इसको ट्रस्टफुल साइट मेरे हिसाब से एक है। वैसे तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि 300 की रेंज में यार बहुत ही बजट की रेंज में ये बहुत अच्छा स्पीकर है। आपको अगर स्पीकर एक चाहिए था 300 की रेंज में तो इसे अमेजोन से ही खरीदें, और मेरे रिकमेंडेड है अमेजोन से खरीदें। और आप चाहें तो किसी भी ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, तो मैंने इनको अमेजोन से परचेज़ करा था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इन स्पीकर्स के बारे में मोटा मोटा अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि स्पीकर कैसे रहने वाले हैं और किस तरीके का इनका साउंड या आउटपुट और किस तरीके इनकी क्वालिटी रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करी होगी, और आपने मैंने आपकी बहुत सी मदद करी होगी। तो अब दोस्तों आपकी बारी है मेरी मदद करने की, और वो आप कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन वाली बेल को, मतलब कि घंटे को जरूर प्रेस करते हो, उससे होगा क्यों क्या ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी और सबसे पहले आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें अगर मेरे से इस स्पीकर के बारे में कुछ ना कुछ मिस हो गया, और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं ज़रूर से उसको रिप्लाई करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में आपको अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग रॉस्टेड टैग।